भी अच्छी थी। अच्छा, क्या खास है फिल्म के? एडवेंचर के लिए खास है, एलिफेंट का है। फिल्म क्या इमोशनल स्टोरी है? नहीं, इमोशनल नहीं है, उतनी इमोशनल नहीं है जितनी होनी चाहिए। फिल्म में विद्युत का काम कैसा था? ठीक था उसका। एक्शन कैसा था? एक्शन नॉर्मल था। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 4। थैंक यू। वन वन। तो आपको कैसी लगी मूवी? नहीं पसंद आई। दिस नॉट फॉर एडल्ट्स, नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन। कुछ है ही नहीं, मतलब बड़े एंटरटेन एंजॉय करेंगे नहीं, बच्चों के लिए कुछ है नहीं, खाली जंगल में हाथी आती है। फर्स्ट हाफ इज़ वेरी स्लो, पर एक्शन मूवी है, लेकिन दम नहीं है लगी, जितनी सोच के आदमी आता है। इट्स नॉट मतलब एंजॉय नहीं, बस कुछ है ही नहीं एक्चुअली, इससे कुछ खास नहीं है, मतलब बड़े भी देखेंगे तो भी मज़ा नहीं आएगा। इंटरव्यू तो बैठे बैठे बोर ही हो रहा आदमी, देन इट सोचते कि आदमी बच्चों के लिए कुछ होगा, लेकिन बच्चों के लिए भी कुछ नहीं है। इज तो ठीक है, इज ओके, बस तो बनाने की कोशिश की है, बट नॉट एंटरटेनिंग ऑल्सो। क्लीन मूवी है, अच्छी है मतलब, बट नॉट एंटरटेनिंग नहीं, कुछ है नहीं एक्चुअली, बस नहीं चले। आई डोंट थिंक एक्शन तो ठीक है, विद्युत है तो फिर थोड़ा बहुत हो ठीक है, लेकिन बस बहुत खास नहीं जो सोच के आते कि जंगल में होगा, टार्जन जैसे पीछे बच्चे सोचते हैं, बच्चों को दिखाएंगे हम, लेकिन वो भी नहीं है। बच्चे जो है ही नहीं, बच्चे को अंदर तो बच्चे इंजॉय भी नहीं करेंगे एक्चुअली, बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, बता दो इंटरव्यू तक कुछ नहीं खा सकते तो इतना बोर हो जाएंगे एक्चुअली। म्यूजिक भी ठीक है, म्यूजिक पे ध्यान नहीं जाता है, तो फाड़ा धार धार होती है। कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं 2 ही दूँगा। थैंक यू। मूवी अच्छा लगा, वो अच्छा लगा ऐसे क्योंकि हाथी के ऊपर दिखाया जो एक उसके लिए अच्छा लगा, जंगल के ऊपर दिखाया विद्युत जमालवाल का, वो अच्छा लगा। एक्शन भी अच्छा, उसमें फाइटिंग और उसके कोरियोग्राफर वो भी अच्छा लगा। जैसे हमेशा तो वो एक विद्युत जमालवाल एक अच्छा अलग चीज़ किया जो हाथी के ऊपर किया, जो सबसे बड़ा प्राणी है पृथ्वी का, वो लास्ट हो रहा है बेटा, उनका जो जात है वो ख़त्म होने वाला है, तो उनको कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग वो अच्छा लगा उनको। 5 to 5 मैम। थैंक यू। इज़ गुड, आई थिंक सो एवरीबडी शुड वॉच, इट्स लाइक फ्रेंडली, यू कैन से इट्स अ नेचर फ्रेंडली मूवी बेस्ड ऑन एन एलिफेंट एंड इट्स वेरी नाइसली मेड, यू शुड और एवरीबडी शुड सी दैट। बच्चे लोग के लिए अच्छा है, मतलब एटलीस्ट यू फील लाइक यू आर इन जंगल, सो दैट इज़ अ गुड एडवेंचर। So picturization is really nice. I should give 3.5, 4 and yeah, 3.5, 4. Thank you. Bye. It's very good movie, one time watch movie. This was बहुत अच्छी movie है, family pack movie है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी movie. हाथी के साथ दोस्ती दिखाया गया है, इंसानियत दिखाया गया है, जो क्राइम होते हैं हाथी के दांत को लेकर वो रोकने के लिए एक इंस्पायरिंग मूवी है, बहुत अच्छा मूवी है, बहुत अच्छी है, पसंद आएगी। एक्शन के ये एक नए लेवल पे एक्शन को लेके गए हैं इसमें, जितने भी एक्शन मूवी उनके आए हैं, दिस इज द बेस्ट, आई थिंक दिस इज द बेस्ट। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन कैसा लगा आपको मूवी का? डायरेक्शन हॉलीवुड डायरेक्टर है, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है फिल्म है, जो हॉलीवुड फिल्म थी टॉम यम गोंग, तो इसी तरह का थोड़ा बनाया गया है, कॉपी नहीं है, पूरा अलग स्टोरी है, मतलब उसी तरह के मतलब वही लेवल पे लेके गए हॉलीवुड जैसे लग रहा है मुझे। हाँ, पूरा फैमिली एंजॉय कर, फैमिली पैक मूवी है, कोई भी ऐसे ये नहीं कि जो फैमिली बैठ के नहीं देखती, सबसे ज़्यादा बच्चे एंजॉय करेंगे, जो हाथी के साथ दोस्ती है, हाथी का कारनामे है और एक्शंस, वो बहुत एंजॉय करें बच्चे। 5 out of 5। थैंक यू। कैसी लगी आपको पिक्चर? बहुत अच्छी मूवी है। मूवी की स्टोरी, मूवी की स्टोरी के बारे में एक्चुअली ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज है जो इंस्पायरिंग रहती है, जैसे इंस्पायरिंग की मतलब जैसे मूवी है केसरी में भी जो इंस्पायरिंग स्टोरी दिखाई है, जो उनकी सोल्जर्स के सोल्जर्स का जो सैक्रीफाइस था, उन सब स्टोरीज मतलब ऐसी स्टोरीज और आएगी तो और डेफिनेटली चेंजेस हो गए मतलब वर्ल्ड में या फिर जो भी पब्लिक है उसके अंदर, मतलब पीपल्स के अंदर चेंजेस डेफिनेटली दिखेंगे कि मूवीज ऐसी इंस्पायरिंग बनानी चाहिए। और मूवी में आपको विद्युत जमाल की एक्टिंग अच्छी लगी? अच्छी नहीं, बेस्ट लगी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट उनकी मूवीज़ है फिलहाल, तो 3 मूवीज़ मैंने जो देखी है, कमांडो, कमांडो 2 एंड ये जंगली,
एक्चुअली कमांडो के बाद से ही वो मेरे मतलब बहुत फेवरेट एक्टर हैं. एंड अभी ये मूवी के लिए भी मैंने दो तीन दोस्तों को पूछा कि आना है नहीं आना है. मैं उन्होंने बोला कि हम लोग टाइम नहीं है, ये वो कोई रीज़न हो गया उनके. बट आई वॉज लाइक नहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो देखना ही है. डेफिनेटली मतलब उनको भी अभी सोशल मीडिया पे भी बहुत थोड़े वो आते हैं कि सब एनिमल्स को स्लॉटर किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है वो सब. तो ये मूवी देखने के बाद लोगों को डेफिनेटली लगेगा कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है. तो उनको रोकने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कर रही लोग. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब देखने आया तब मेरे को लगा किसी इंडियन डायरेक्टर ने किया. आई वॉज लाइक है मतलब इंडियन डायरेक्टर्स भी बहुत है ऐसे जो ऐसी मूवीज डायरेक्ट करते हैं और अच्छी की है. बट इनका काम भी बहुत अच्छा है. 5 out of 5 डेफिनेटली. थैंक यू.